नमस्कार, हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी की। लगातार चर्चाएं हैं कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेंगी। जिस तरह से भाजपा नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हो, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हो, तो उन्होंने दो टूक कह दिया है कि उन्होंने जो गठबंधन बनाया था वो केवल सरकार चलाने के लिए था, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने कोई गठबंधन नहीं किया था। दूसरी ओर से जजपा के नेता बिल्कुल शांत हैं, चुप हैं, हालांकि उन्हें लग रहा है कि भाजपा उन्हें कोई सीट देगी। वो लगातार दावा कर रहे हैं कि भिवानी या सोनीपत से एक सीट मिलने मिलेगी, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है। दुष्यंत चौटाला की खुद की स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर वो गठबंधन से बाहर आते हैं तो उन्हें यह भरोसा नहीं है कि 10 में से कितने विधायक उनके साथ रहेंगे। हाँ, केवल इतना है कि वो एक खुद, एक उनकी माता नैना चौटाला और एक उकलाना के विधायक अनूप धानक उनके साथ हैं। बाकी 7 विधायकों की हालत क्या है, रामकुमार गौतम लगातार बगावत किए हुए हैं, देवेंद्र बबली केंद्र भाजपा की सरकार में मंत्री हैं, नरवाना के विधायक रामनिवास के भाजपा के साथ जाने की चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं, तो कौन विधायक उनके साथ आएगा ये दुष्यंत चौटाला खुद भी नहीं जानते। उनकी स्थिति आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो गई है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि गठबंधन में अगर उन्हें सीट नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ व जनता TV के पूर्व संपादक प्रदीप डबास व हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा। मल्होत्रा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आज के हालात में जो जजपा की हालत है या दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है उनकी हालत है, वो पूरी तरह भाजपा के रहमो गरम पे है कि भाजपा उनको एक सीट देगी या नहीं देगी अभी तक तय नहीं है, लेकिन वो ऐसा कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो बार बार ये कहते हैं कि हम 10 सीटों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो धरातल पे हालात हैं वो वैसे नहीं है कि जजपा के पक्ष में कुछ भी ज्यादा दिखाई दे रहा हो। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या हालत है इस समय? देखो पंडित जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में भी मेजर पार्टी है, मतलब कि जहां मतलब कि 80 और 20 पे है, वहां पर धीरे 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 जो गठजोड़ का इनका वो पार्टनर होता है उसकी हालत खराब हो जाती है। अगर ये बराबर के गठजोड़ में होते हैं तो स्वाभाविक है, वहां पर तो एक दूसरे का मान सम्मान बना रहता है, और जहाँ ये 80 है और दूसरा 20 है तो इन फिर गठजोड़ वाले के लिए समय अच्छा नहीं रहता आगे का। तो अब हरियाणा में भी पिछले कुछ लगभग 6 महीने से जो मुख्यमंत्री जी का रवैया है वो ज्यादा गठबंधन के हक में दिखाई नहीं देता। वो बार बार एक ही बयान देते हैं कि भाई 10 सीटें लड़ेंगे और 10 पे कमल खिलाएंगे। और जिस प्रकार से पिछले दिनों दुष्यंत चौटाला के जो महकमे हैं उनमें उन्होंने जिस प्रकार से शिकंजा कसा है, कई महकमों में अच्छा शिकंजा कस दिया उन्होंने, तो उससे मतलब कि दुष्यंत के लिए बड़ी समस्या तो पैदा कर दी उन्होंने। और फिर जो भाजपा के बड़े नेता हैं स्टेट लेवल के, वो भी बार बार यही कहते हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, परंतु जो हाईकमान है वो मतलब कि बड़े बड़े पर्सपेक्टिव में देखता है। तो उन्होंने जैसे छोटी जो बहुत छोटे भी उनके अब की बार गठबंधन में लोग हैं उनको भी एक दो सीटें कई जगहों पर दी हैं उन्होंने। तो अब ये सारा कुछ डिपेंड करता है हाईकमान पे कि वो दुष्यंत को कहाँ ला के खड़ा करते हैं। परंतु दुष्यंत की मजबूरी है कि दुष्यंत उन्हें छोड़ नहीं सकता इस स्टेज में, क्योंकि अगर दुष्यंत उन्हें छोड़ता है तो दुष्यंत के लिए समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब कहने को तो दुष्यंत कहता है कि भाई हम दुष्यंत हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हम 10 सीटें लड़ेंगे, परंतु 10 सीटों के लिए मेरे को नहीं लगता कि जजपा के पास पूरे कैंडिडेट्स भी हैं। लेकिन पब्लिक में मौजूद रहने के लिए उन्हें कहना पड़ेगा ये बात। हाँ, खुदा ना खासा बीजेपी ये कह देती है जी नहीं अलग अलग लड़ना पड़ेगा जी, तो भी फिर इनको नए कैंडिडेट अपने खड़े करेगा और इसलिए पब्लिक में तो जाना पड़ेगा आपको। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक चीज और भी है इसमें कि दुष्यंत से अगर समझौता तोड़ते भी है ना तो स्टेट में सरकार को खतरा नहीं रहेगा, ना ही वो गठबंधन को तोड़ेंगे स्टेट में। वो ये कहते हैं जी हमारा तो स्टेट का स्ट्रेटेजिक गठबंधन है और स्टेट में हमने दुष्यंत को साथ ले रखा है और दुष्यंत तो इस बात में खुश है, वो नहीं छोड़ना चाहेगा। परंतु विधानसभा में आके दोनों ने अलग अलग जरूर लड़ना है, इसमें कोई शक नहीं है। अब दुष्यंत के साथ ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी इसको यूज भी कर सकती है कि वो ये करेंगे कि कांग्रेस के जहां जहां कैंडिडेट है उस कास्ट के हिसाब से अपने कैंडिडेट दुष्यंत से खड़े करवा सकते हैं।
ऐसे में वो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति भी बनाए रखेगी और दुष्यंत के साथ स्टेट में गठबंधन भी बनाए रखेगी। तो हर एक स्थिति में दुष्यंत के लिए कई समस्याएं हैं, और जी ऐसा भी कर सकती है भाजपा की, दुष्यंत से कहेगी आप कोई अपना कैंडिडेट दे दें और वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े। तो ये जी कई तरह के विकल्प हैं, तो अब देखो दुष्यंत की जी क्या स्थिति बनती है आगे। नवाज जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आप प्रदेश की राजनीति को बहुत गहरे रूप से जानते हैं। आज की जो हालात है, अगर मान लो कि भाजपा कह देती है कि आप अपने कैंडिडेट खड़े कर लो, और एक कंवर पाल का शिक्षा मंत्री का बड़ा रोचक बयान था, उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन सरकार चलाने के लिए किया था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया था, तो ये भी कुछ और इशारा कर रहा है। तो अगर भाजपा उसको नहीं भाव देती है तो क्या विकल्प रह जाता है दुष्यंत चौटाला के सामने? सबसे पहले तो महेंद्र जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। दुष्यंत चौटाला की स्थिति को लेके आज जो चर्चा है उसमें बड़ी बातें ये हैं कि जो 2 अक्टूबर को मेरी आवाज सुनो करके एक जलसा किया था बीरेंद्र सिंह ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी गठबंधन बनाए रखती है या साथ में चुनाव लड़ती है तो फिर वो आगे की रणनीति तय करेंगे। उसके बाद आज जो खबर आई है और उसमें कांग्रेस ज्वाइन कर लिया हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने, तो इसमें दो तीन चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि अब जननायक जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जो पार्टी में रहते हुए मुख्य विरोध जो लोग कर रहे थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, एक बात। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी को अब ये लग रहा है कि उनको हिसार से, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बयान, और ये अभी से नहीं है, ये करीब 1 सवा साल से जब ओम प्रकाश धनखड़ भी प्रधान होते थे पार्टी के प्रदेश में, तो उनकी ओर से भी लगातार खुद प्रधान की ओर से बयान आते रहे कि हमने गठबंधन जो है वो सरकार चलाने के लिए, जैसे आपने कहा शिक्षा मंत्री का बयान था, उससे पहले ओम प्रकाश धनखड़ ये बयान दे चुके हैं कि ये वो प्रधान रहते हुए दिया उन्होंने कि हमने जो है गठबंधन पार्टी सरकार चलाने के लिए किया है, चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया है। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट आए, और अब तो 2 दिन पहले वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट था कि पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये जननायक जनता पार्टी के लिए क्या संदेश हो सकता है? या तो जननायक जनता पार्टी खुद ही छोड़ के चली जाए, ये एक संदेश हो सकता है, या फिर उनके साथ जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि कई तरह के ऑप्शंस, कई तरह के विकल्प हो सकते हैं, ये एक विकल्प हो सकता है कि आप लोकसभा में 10 की 10 सीटें छोड़ दीजिए और विधानसभा में जब आगे अगर मिलके लड़े तो आपको सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी इसी फार्मूले पे काम किया जा रहा है और यही ऑफर किया गया है शिंदे गुट को और अजित पवार गुट को। तो जो अलायंस में लोग हैं उनकी सीटें विधानसभा चुनाव में बढ़ाने की कोशिश करेगी, और वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव जिसके लिए केंद्र में सरकार बननी है उसके लिए बीजेपी कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, एक ये विकल्प हो सकता है। तीसरा विकल्प जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जननायक जनता पार्टी से बिना सहमति के या उसकी इच्छा के विपरीत 10 की 10 सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट उम्मीदवार उतार दे, उसके बाद गेंद जो है वो जननायक जनता पार्टी के पाले में डाल दे, जननायक जनता पार्टी तय करे भाई अब सरकार में रहना है या नहीं रहना है, ये उनकी मर्जी है, क्योंकि गठबंधन टूटेगा तो इल्जाम किस पे लगेगा? जननायक जनता पार्टी पे, अगर वो गठबंधन से निकल के जाते हैं। क्योंकि जो बयान ये आया है कि हमने चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन नहीं किया था, सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया था, तो निश्चित तौर पे इस बयान के मायने अगर समझने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण है इस समय, देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार बयान आते रहे 10 की 10 सीटों को लेके, और तीखे प्रहार भी हुए हैं सत्ता में जो गठबंधन में शामिल लोग हैं उसी दल पे, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे ब्रजेंद्र सिंह जब पार्टी में थे उनकी ओर से या कुछ और नेताओं की ओर से लगातार बयान आए। लेकिन आपने इस बात को गौर कीजिएगा कि जननायक जनता पार्टी के किसी भी नेता की ओर से गठबंधन को लेकर कभी किसी तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, ये काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी भी जननायक जनता पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। दूसरी बात,
अगर गेंद जननायक जनता पार्टी के पाले में डाल दी जाती है और उसके बावजूद गठबंधन में वो लोग बने रहते हैं जी, अक्टूबर में चुनाव है, 6 महीने का वक्त है जी, तो फिर क्या स्थिति होगी पार्टी की, ये महत्वपूर्ण है, उस पर मंथन करना जरूरी। मल्होत्रा जी, आपको नहीं लगता कि अगर मान लो कि दुष्यंत थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं या थोड़ा दबाव बनाते हैं, या फिर कोई जैसे प्रदीप बता रहे थे कि कोई जसपा की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई दिग्विजय का बयान नहीं आ रहा, कोई दुष्यंत का नहीं, कोई अजय चौटाला का नहीं, असल में उनको पता है कि उनकी जो विधानसभा में हालत है, चाहे वो रामकुमार गौतम हो, चाहे वो देवेंद्र बबली हो टोहाना से, या फिर नरवाना से रामनिवास हो या ईश्वर सिंह हो, वो लगातार अग्रेसिव रहे हैं। इवन की जोगीराम सिहाग ने चेयरमैन का पद नहीं लिया, आज तक की वो स्थिति है। तो अच्छा भला पता है अगर दुष्यंत को कि अगर वो रहते हैं तो अनूप धानक है, या फिर उनकी माता है नैना चौटाला, या फिर दुष्यंत खुद विधायक हैं, तो बाकी सातों विधायकों की जो स्थिति है वो अलग अलग तरह की है। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर थोड़ा सा अग्रेसिव होंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी पे खतरा हो जाए। नहीं, दुष्यंत अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 10 में से उनके 7 विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं जी, और विधायकों की अब ज्यादा जरूरत भी नहीं है क्योंकि चुनाव को अब 6 महीने रह गए हैं लगभग, तो ऐसे में अगर समर्थन वो वापिस ले लेते हैं तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। सही कह रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तो चाहते हैं कि ये वापिस ले। हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति के अंदर आ चुकी है और दुष्यंत अब दबाव में जी। अब क्या है कि उन्होंने 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ बिता लिए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब उनके कहीं जो बेकायदगियां हैं उनके विभागों में उनको मुद्दा भी बना सकती है और उनको लेके उनपे कहीं ना कहीं शिकंजा भी कर सकती है। तो देखो कहीं ना कहीं आजकल जो नया ट्रेंड चला है शिकंजा कसने का, तो वो दुष्यंत को भी पता है कि भविष्य आज नहीं तो भविष्य में दिक्कत आ सकती है। और दूसरा तीसरा दुष्यंत के पास कोई विकल्प नहीं है इस समय, क्योंकि देखो अगर वो अकेला लड़ेगा तो स्वाभाविक है जो अपने वोट बैंक को अपने साथ संजोए रखने के लिए लड़ेगा, उसके बाद ये तो है नहीं भी जाके कांग्रेस से मुलाकात कर ले, क्योंकि कांग्रेस उनकी विचारधारा नहीं मिलती है और परिवार में विवाद है ही, अभी चौटाला जी अभी किसी तरह मूड में नहीं है उनको माफ करने के, तो दुष्यंत के लिए बहुत सीमित विकल्प रह गए हैं। वो तो अलग भी लड़ेगा तो दुष्यंत चौटाला जी सिर्फ इसलिए लड़ेंगे कि अपने वोट को थोड़ा सा रोक सके, नहीं तो उनका वोट मैक्सिमम खिसक के कांग्रेस की तरफ भाग जाएगा। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला बिल्कुल अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और अपना अगर ये नहीं भी देंगे तो वो कोई ना कोई अपना एक्सक्यूज निकालेंगे कि हमने इसलिए हमें अलग लड़ना पड़ रहा है। तो वो डायरेक्ट टकराव के ना तो मूड में है ना वो स्थिति में टकराव करने की, ना उनकी तरफ से कोई इंडिकेशन आया। प्रदीप जी ठीक कह रहे थे, ना तो अजय चौटाला की तरफ से कोई आज तक आया, ना दुष्यंत की तरफ। अब दिग्विजय तो बिल्कुल ही चुप हो गए पिछले कुछ दिन से, नहीं तो वो घर में एक अग्रेसिव नेता थे, अब वो भी पिछले कुछ समय से चुप है, इसको वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अब उनके लिए और कोई विकल्प नहीं है वेट एंड वॉच के अलावा। दबास जी, मेरे को ना एक वो घटनाक्रम याद आ रहा है कि किसी समय में अगर चौटाला और भाजपा का जब गठबंधन हुआ था किन्हेलो के साथ, तो किशन सिंह सांगवान सोनीपत से MP चुने गए थे, लेकिन निशान भाजपा का था, फिर वो भाजपा के ही हो गए। तो ऐसी हालत हो सकती है कि ऐसा रिस्क दोबारा ले सकती है जज्बा, कि अगर मान लो कि खाली निशान कैंडिडेट वो दें और निशान जैसा कि बताया गया कि निशान नहीं, ये विकल्प महाराष्ट्र में भी दिया गया है, ये विकल्प जब शिंदे गुट ने और अजित पवार गुट ने ज्यादा सीटें मांगी तो उनको ये कहा गया कि आप अपना कैंडिडेट दे दीजिए और सिंबल हमारा होगा, ये विकल्प दिया गया है वहां भी। और ये आपकी बात ठीक है कि वो कैंडिडेट इनसे ले सकते हैं और सिंबल, लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे कम से कम हरियाणा में उतने बड़े स्तर पे गठबंधन है नहीं, क्योंकि सरकार को भी खतरा नहीं है, तो इस तरह का रिस्क सरकार जो है यह भारतीय जनता पार्टी लेगी नहीं। और इसमें कोई क्योंकि बहुत बड़ा नाम भी नहीं है कोई जननायक जनता पार्टी के पास कैंडिडेट देने के लिए, दुष्यंत चौटाला लड़ेंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे, और उनके अलावा वो किसी और को चाहेंगे भी नहीं कि हिसार जैसी सीट पे कोई और उनकी पार्टी से कैंडिडेट हो, निश्चित तौर पे वो अपनी ही दावेदारी करेंगे। तो यहाँ पे विकल्प सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि
गठबंधन जो है वो सरकार चलाने के लिए हुआ था और चुनाव के लिए नहीं हुआ था, तो हो सकता है ये अलग अलग भी लड़े, और अगर अलग लड़े और दुष्यंत चौटाला अगर मैदान में उतरते हैं लोकसभा चुनाव में, तो इसका नुकसान सीधे तौर पे जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, ये संभावना है हिसार सीट पे या भिवानी सीट पे, जहां भी वो अपना दावा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका उनका मुख्य दावा तो 3 सीटों पे है, हिसार, भिवानी और सोनीपत। और जिस तरह से अकेले चुनाव लड़ने की भी जब बात चल रही थी तो इन्होंने 5 सीटों पे ही मंथन किया है, ज्यादा पे तो जैसे मल्होत्रा जी ने कहा कि इनको कैंडिडेट भी मिलने मुश्किल है, तो इन्होंने उस चीज को भी पहचान रखा है पहले से, और इनका मंथन भी इस बार अगर अकेले लड़ने का था तो 5 सीटों के लिए इन्होंने तैयारियां अपनी पूरी कर रखी थी। बाकी तो कैंडिडेट उतारना होता है और चुनाव लड़ना होता है वो अलग बात है, लेकिन 5 सीटों के लिए इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर रखी है। अब देखते हैं, क्योंकि ब्रजेंद्र का आज कांग्रेस में शामिल होना बड़ा घटनाक्रम है, और इसको लेके कम से कम इस क्षेत्र की राजनीति में तो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तमाम रणनीतियां, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, सबको अपनी नए सिरे से बनानी होगी। नहीं नहीं, मैं आपको टोक रहा हूँ, वहां पे अजय माकन ने खड़गे जी के सामने ही कह दिया कि वीरेंद्र सिंह पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस में शामिल होंगे, उन्होंने वो संदेश दिया है, तो खाली पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के साथ है, तो वो भी घटना देखना पड़ेगा कि कितना परिवर्तन होता है। अभी यह तो भविष्य के गर्भ में है कि भाजपा दुष्यंत चौटाला को कोई सीट देगी या नहीं देगी। हाँ, लेकिन इतना साफ है कि दुष्यंत चौटाला की स्थिति अत्यंत विकट है, उनके पास बहुत सीमित से विकल्प हैं, वो इन विकल्पों का किस तरह प्रयोग करेंगे यह आने वाला वक्त ही बताएगा। नमस्कार।